दोस्तों, गोत्र शब्द का अर्थ होता है वंश अथवा कुल, और हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में एक गोत्र में शादी करना वर्जित माना गया है। यूं तो भारतीय संस्कृति में अंतर जातीय विवाह भी वर्जित है, लेकिन एक ही जाति में भी विवाह के कई नियम दिए गए हैं, और इन्हीं में से एक है कि लड़का लड़की अगर एक ही गोत्र के हों तो उनका विवाह नहीं हो सकता। इस संदर्भ में विवाह के दौरान सिर्फ लड़का लड़की का ही गोत्र नहीं मिलाया जाता, बल्कि उनका दादा दादी का भी गोत्र मिलान किया जाता है, यानी तीन पीढ़ियों का गोत्र देखा जाता है, और अगर गोत्र एक हो तो वो विवाह संपन्न नहीं हो सकता। दोस्तों, एक गोत्र में शादी ना करने के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी दिए गए हैं, जो यह जाहिर करते हैं कि एक गोत्र में शादी क्यों उचित नहीं है। तो आइए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि एक गोत्र में शादी ना करने के पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारणों के बारे में। हिंदू धर्म में एक गोत्र में शादी क्यों नहीं की जाती? दोस्तों, इसका धार्मिक कारण है। अगर लड़का लड़की के गोत्र एक हैं तो इसका मतलब है उनके परिवारों का संबंध एक ही वंश अथवा कुल से है। ऐसी स्थिति में लड़का लड़की भाई बहन माने जाते हैं, और हिंदू धर्म में भाई बहन में विवाह नहीं होता, इसलिए एक गोत्र के लड़का लड़की का विवाह हिंदू धर्म में अनुचित माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा यह भी माना जाता है कि एक ही गोत्र में विवाह करने वाले दंपतियों की संतान की विचारधारा, पसंद, व्यवहार आदि एक जैसे होते हैं, उनमें कोई नयापन नहीं होता। वैज्ञानिक कारण। दोस्तों, एक गोत्र में शादी ना करने के पीछे के वैज्ञानिक कारण की बात करें तो एक गोत्र में विवाह करने वाले दंपति के गुणसूत्र समान मिल जाते हैं, और फिर उनकी आने वाली संतान में आनुवांशिक दोष जैसे मानसिक विकलांगता, अपंगता आदि और अन्य गंभीर बीमारियां होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए विज्ञान के अनुसार भी एक गोत्र में शादी करने वाले दंपति की संतान को शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए विज्ञान में भी एक गोत्र में शादी करना उचित नहीं माना गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि हिंदू धर्म में एक गोत्र में शादी क्यों नहीं जाती की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।